घटना पूरे देश ने सुनी होगी और क्या हुआ है समाज के साथ। अभी एकजुट नहीं रहे तो जीवन में समाज के लिए कोई खड़ा नहीं होगा, ये मैं आपको बोल रहा हूं। जो जो समाज के लिए खड़े होते हैं उसके साथ क्या हो रहा है आप देख सकते हैं। हम लोग दिल्ली से रवाना हुए और जयपुर पहुंच रहे हैं। जयपुर में राजपूत समाज के जितने भी लोग वहां सब इकट्ठा हो रहे हैं, जो भी कोई डिसीजन होगा सब मिलके लेंगे। और सबसे बोलना चाह रहा हूं, ज्यादा नहीं बोलूंगा, समाज की कोई बात करता है उसके साथ ही, हर एक व्यक्ति के साथ ऐसा ही हो रहा है। छींटा कसी के अलावा एकजुटता दिखाओ, छींटा कसी का टाइम नहीं है। समाज की आवाज बुलंद करी हमेशा सुखदेव सिंह ने। हमारे संगठन अलग हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं थे। और भाई के साथ कुछ हुआ चाहे गर्दन कटानी पड़े, महिपाल सिंह तैयार है। जयपुर आ रहा हूं, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, हो सकता है राजस्थान में नेट बंद कर दिया जाए, जो लोग सुन रहे हैं जयपुर पहुंचे। और जब तक हथियारों का इनकाउंटर नहीं होगा, हम लोग रुकेंगे नहीं। आंदोलन करना पड़े किसी भी स्तर का आंदोलन करेंगे, जो समाज तय करेगा वो सब चीज करेंगे। पूरे देश के करने सैनिक तैयार रहे। और गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है, जिन्होंने हम लोग दिल्ली से निकले हैं और आप लोग भी जहां हैं वहां से निकले जयपुर पहुंचे। हो सकता है नेट बंद कर दें, बार बार बोल रहा हूं, हो सकता है नेट बंद कर दें। मैं जो भी हॉस्पिटल है हम लोग वहां पहुंच रहे हैं। समाज जो तय करेगा, जिस तरीके की भी रणनीति तय करेगा, हमें वो करना है, चाहे कुछ भी करना पड़े। ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचो, हमारे समाज के उस व्यक्ति को खोया है जिसने समाज में अलग जगाई है पूरे देश में। और भाई के लिए मैं तैयार हूं, पूरी करने से ना तैयार है, पूरे राजपूत समाज का युवा तैयार। यहां भी मैं हाईवे पे चल रहा हूं इसलिए बार बार वो हो रहा है, तो कम में ज्यादा समझे, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। भाई को नमन, बहुत श्रद्धांजलि। आपका बलिदान भूलेगा नहीं समाज। ज्यादा तो क्या बोलूंगा।